आ गए एक नए ब्लॉग में और अब चल रहे हैं हम कौन सी बुआ जोहार कॉलोनी साउथपुर मार्केट पे जो सैटरडे को लगती है। तो जा रही अपनी बहन के साथ को यह फोन में बिजी हो गई है, धूप कर दी है, इसने सारे के सारे जो है ना कपड़े जो है ना वो धो दिए हैं और नीचे ही सुखा दिया है इसने, छत पे नहीं करी, सुखा रखे हैं सारे। ये नवीन जी रस्सी बांध रहे हैं दोनों मिलकर, पत्ता बना लग रही है ना, चल रही ना भीतर बड़ंदे रही मना है कति जिंदगी के अलावा एक्स लगा रखे इसने। चल वे मार्केट बिजी है फोन में अपनी नणंदा बात कर रही है भैया। देखो भाई सलवार ने ऊपर ठहरा की है कभी कपड़े धो धो के चाले और अब हम हाँ परीर ना ली और ने कर लिए स्कूटी स्टार्ट, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, डाटा मार लिया इसने, कोरोना है कोरोना कोरोना ब्याह में खाया नहीं था खा लेती मैं तो ना खा सकती। ये पहुंच गए हम मार्केट, और वो लगा रही है स्कूटी देख ले, ये ना बड़ा साइज देख, सुंदर लगा है। अच्छा 150-200 सही है, ये क्या है कुछ यो के था चूने चूने। अच्छा कैसे दे रहे हो क्या कैसे दिया? ये चल दिया हम वापस घर पे मार्केट से। देखो इतनी सारी हमने शॉपिंग कर ली है। तो देखिए दोस्तों मैं ले आई हूँ, एक तो देखिए ये वाला फैब्रिक है, ये वाला वाइट बेस है, स्टार्स है इस पर, बहुत ही अच्छा यूनिक फैब्रिक है। इससे मैं मेरी बेटी की धोती वाली एक ड्रेस बनाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला फैब्रिक लेके आई हूँ, देखो ये किड्स प्रिंट का है, इसमें मिक्की माउस सूफी वगैरह सारे बने हुए हैं, देखो कितने प्यारा है। इसका मैं सोच रही हूँ इसका भी एक ड्रेस बनाऊंगी, या तो फ्रॉक बनाऊंगी या फिर डंगरी वंगरी बनाऊंगी। और एक लेके आई हूँ ये वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स है, और ये वाला भी मेरी बेटी की ड्रेस के लिए है। और एक ना ये वाला फैब्रिक लेके आई हूँ मैं, मेरे पास एक सूट रखा था ये वाला,
इसकी ना एक्चुअल में लेंथ जो है वो बहुत कम है, तो इसकी मैं एक ड्रेस बनाऊंगी, जिसके लिए मैं श्रक के लिए ये वाला कपड़ा लेके आई हूँ, इसकी मैचिंग। ये ब्लू कलर का है और फिर मैं लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ मैं कुछ लेस, देखिए ये मतलब इस सूट पे जाएगी, इसकी श्रग पे, ब्लू वाली श्रग पे। और एक लेके आई हूँ मैं ये, देखिए कितनी प्यारी है गोल्डन कलर की, इसकी मैं एक ड्रेस बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। ये भी मेरे पास एक सूट का मटेरियल रखा था ना, उसका ही मैं कुछ करूंगी मेकओवर सा। अभी दोस्तों बाहर तो धुल रहे हैं कपड़े, आज सैटरडे है तो मैं सैटरडे को शाम के टाइम कपड़े धो देती हूँ, सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा ना धूप होती है तो इसलिए सुबह के टाइम मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट उठती हूँ, 6:30 बजे उठती हूँ। मेरी छोटी वाली बहन तो नीचे ही सुखा देती है और वो जल्दी ही उठ के मशीन लगा देती है, वो तो 5 बजे उठ जाती है और मैं कई बार 6:30 बजे उठती हूँ, तो उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने की सोच नहीं सकते, तो संडे को फ्री रखने के लिए मैं सैटरडे की इवनिंग को ही कपड़े धो देती हूँ। और कुछ दिनों पहले हम एक शादी में गए थे, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ अभी इसी वीडियो में शेयर करूँगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखो। देखो मैं दिखाती हूँ, तो ये मेरा बेटा मेरी हेल्प करने के लिए कपड़े जो है वो निचोड़ रहा है, ये लगा हुआ है। क्या हो गया भाई साहब, गीला हो गया था, क्या हो गया? ऐसे पूरे कपड़े निकाल रहा था, हाँ पूरा गुच्छा था, बन गया था, उठाया पानी बेकार। और इसका ना एक फेवरेट येलो कलर की निक्कर लेके आ रखी हूँ मैं, उसको धुलते ही क्या बोल रहा था तू, मशीन में से निकलते ही क्या बोल रहा था? अरे वो सूट तो वही थी, हल्की फुल्की, और फिर तुझे वही पहन रही थी, हल्की फुल्की पहन रही थी। ये देखो भाई, हाँ बैग दे बैग दे, अब इसने कर लिया है पानी चेंज, इस पानी को लगा दे, बाल्टी को लगा दे भरने। आप नीचे दिखाती हूँ मैं नीचे क्या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसने ना यहीं पर ही तार बांध रखे है और ये अपने कपड़े यहीं पर सुखा देती है। अब ये अंदर कर क्या रही है अभी दिखाते हैं। ये हमारी गोलू सामने कपड़ों की तय कर रही है। और ये बबीता जी क्या कर रहे हो आप? यार सुबह दूध आया था, सुबह ना आया तो पैर में आया था, और फिर अब आपको फुर्सत लगी असल में तेरे कपड़े धोए ना, फिर तू मार्केट चली गई। और काम हुआ ना? नहीं तेरा काम बहुत है, ये ना मैं आपको बता रही हूँ, ये सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती है और 5 से 8 बजे तक ये बैठती नहीं है, खड़े 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 खड़े। और आप क्या बना रही है, अब क्या बनाने की? दलिया बनाऊंगे। दलिया? सबका दलिया? 2-3 मंगोड़ी दिए। सबका दलिया? सबका, सारे दलिया खा लेंगे। बाबू? बाबू आज दो दलिया पे, हम आज दो दलिया, थक गई करना जिंदगी बेकार करनी, क्या बड़ी झंड कर रही बंदू जी जिंदगी। सुबह उठो यही काम करो, फिर रोटी सब्जी और आया घर का धंधा बना है, और के बड़का छोड़ का आओ, बड़का लेके आओ, इनका का तन संगवाओ। सुबह इसने बहुत ज्यादा कपड़े धोए थे, मैंने तो हफ्ते में पहले दूसरी बार मतलब एक ही बार, एक बार धो तू, मैं तो पहले सैटरडे को धोआ और अब सैटरडे को, और अब नहीं ये कई बार तो हफ्ते में 3 बार भी धो देती है, और 3 बार भी 4 बार भी हो जाता है इसका कई बार। बहुत टैलेंटेड है भाई, ये बहुत ज़्यादा काम करती है भाई, वीडियो बनानी, वीडियो एडिट करनी, ये और ज़्यादा बड़ा काम है। और ये परी और छवि में हो रही है लड़ाई, हो रही है लड़ाई। मम्मी देख ना तू तो मारे इसने, फिर तू 3 मार मान जा, इसने सबसे पहले मारे, मैं नहीं मारूंगा। ये हो गई इनकी लड़ाई, चल मचा ले, देख अब अंदर जाके धूम मचा ले, अब अंदर जाके। और ये देखो भाई, इतने सारे इसने कपड़े धोए थे,
मैंने तो किए सारे। आई इतने खूबसूरत है कर रही है यार तो गोलू। और ये दोनों बच्चियां लगी हुई हैं तय करने। देखो मम्मी किससे बोलते। ओ शाबाश। देखो भाई कितनी अच्छी इस लड़की ने तय करी है। इसकी तय को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। देखो और अच्छी कर दी। सबसे अच्छी। खुली हुई बस। ऐसी ही लगती। और ये देखो ये तय नहीं कर रही, ये अपने कंधों पे टांग रही है और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अपनी मम्मी का खौफ नहीं है तुम्हें? बेहोश करूंगा। डर नहीं है? बेहोश करूंगा। डर नहीं है तुझे? मम्मी से डर नहीं लग रहा? मारेगी बस और क्या। ये बड़ा अच्छा डायलॉग है कि मारेगी और क्या। जब आएगी छवि तय करो बेटा फट जाएगी। तेरा पजामा है, तेरी मम्मी की पैंट है। पापा का पजामा ले रही है, नहीं कहा मेरा पजामा। ये कौन सी तय कर दी? ये पैकिंग कर रही है, ये तो पैकिंग वाली तय है। कुका ये तो खेल कर रही है तेरे घर। तेरी मम्मी मारेगी, डंकी तय कर लो। डंकी तो है। ये बहुत ज्यादा डंकी है। और ये देखो मम्मी छाई तय नहीं कर रही। ये किया आ गई है हमारे कंचोर। तेरी क्लास नहीं है अब कंचोर। ए और क्या हो रहे हैं? 31। ये लड़की एक एक मिनट का हिसाब रखती है अपनी जिंदगी का। ये देखो छवि मम्मी मारेगी, छवि टंकी तय कर ले। वाकई में कह रही है टंकी तय कर लो। ये कौन सी तमाशा बना रखा तुमने? ये तुमने अपने कपड़ों की देखो देखो भाई, इन्होंने कितनी गंदी तय कर रखी है। गुस्सा करेगी मम्मी? टंकी कर लो। ये भाई ये गोलू का टूटू ऊपर के ये लग गई भाई अपने दलिया बनाने। दलिया में मिक्स वेज बना रही। देखो शिमला मिर्च, आलू, प्याज, मंगोड़ी, शिमला मिर्च टमाटर, ये दलिया टमाटर प्याज शिमला मिर्च कौन ला जब तक खाएंगे दलिया तो आप कमाल बना दो। सविता जी आज बस ही बना दिया मैंने। मैं फिर बहुत काम है, मैंने बैग लेके आना, मैंने कवर लेके आने। किस चीज के? अच्छा कॉपी। मैं जमा कॉपी के कवरों की क्या कहानी। कॉफी के कवर कितने दिनों से आप इस लड़की को पंडा रहे हो? मम्मा शिमला मिर्च नहीं प्लीज। कॉफी के कवर आप कितने दिन से कह दिए? शिमला मिर्च नहीं। हां चटनी। कॉफी के कवर कितने दिन से मम्मी चक्कर कटवा रही है? 10 दिनों से क्या कह रही है? आज लाऊंगी आज लाऊंगी आज लाऊंगी कल 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 सदर जाऊंगी सदर जाऊंगी सदर सदर जाऊंगी सदर जाएंगी बताऊं। जिंदगी में ना पंगे हुए पड़े। एक ही आ गया कपड़े निचोड़ के चलाया यार। चलाया या? एक भी दा दे 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 मेथी तो देवे ना। हाँ ये तेरे रह रहे ना मत पारे खवा दे। बबीता जी मैंने बनाए हैं दोबारा। कद है तू अपनी क्यों नाश कर रहा है अपनी जिंदगी का? है मैंने बनाए हैं। कद बना किए तू? हेलो मैंने कल रोटियों के साथ ही कढ़ाई रख दी थी एक गैस पे। तू तो भूंड ही नाश कर। और 10 बजे तक बन गए थे मेरे, मतलब मैं काम करती रही थी और साइड में बनते रहे। चुप तू रात ने बारी गई थी ऊपर। रात ने नहीं पिताजी सुबह। ये राम 10 बजे से पहले मैंने मतलब कढ़ाई रख दी थी और साथ के साथ झाड़ू पोछा साथ के साथ करती रही और वो अपने आप बनते रहे। चलो मेरे भी बना दे एक दिन। मेरे भी बना दे एक दिन। और कुत्ते अब की बार तो पता नहीं चला वाकई में क्योंकि मैं गैस पे खड़ी नहीं रही। मेरे भी बना दी क्रीम आइसक्रीम बनाई केसर बादाम की। ठीक है मेरे बना दे। क्यों मैं यहाँ नीचे आके गैस पे काम करूंगी? कुछ भी कर ले पूरा बना दे कोई बात नहीं। ये देखो गैस लगती है 4 घंटे गैस चलती है। कुछ ना होता कुछ को ना होता। ये देखो कुछ को ना होता। और परिभंड गेहूं भी तो खावांगे थारे। और आधे लीटर से भी कम रिफाइंड लगा।
बता दे दूंगी आधा डेढ़ किलो मैदा डेढ़ किलो मैदा रख दाल ठीक है दे दिए मैंने मैं नहीं देती हूँ चल दा नुकर यो टिफिन ले जा यो टिफिन भर के दे दे क्यों दे दो टिफिन भर का पागल ला रही है तेरे बना दूंगी मैं ₹19 किलो की मतलब ₹38 की एक किलो मैदा पानी दिए गई दलिए में शिमला मिर्च इसने काट दिए आज मैं हूँ फ्री जाती थे नहीं करना आज मुझे नहीं करना आज मेरे हस्बैंड बनाएंगे चावल अबे मैंने भिगवा दिए क्यों आज तुम मुझे पहला बता देती है मैंने टिकट कटवा देती है को कहते तो डाइटिंग मैंने करी है आज पवन जी ने कह रहे मैं गूंदूंगा आटा ओ भाई वीडियो बना दिए सुबह उन्होंने जब पोछा लगाया सब्जी बनाई बर्तन साफ कर आज को बना रहा होम ड्यूटी पे फिर के गिरेगा आई डोंट नो मैंने नहीं बिना के गिरेगा शिमला मिर्च तो लिया ही था आई तू मरी शिमला मिर्च आई वो शिमला ये बेकार आज ये देख शिमला मिर्च चोरी कर गई अब वो देखो यार चलो बेटे के जाया मैंने के मेरा था एकदम चोर बना एक ले हां बड़ी बड़ी चोर भाई भाई का है अरे चोर तू शिमला मिर्च खा ले और तेरा बाप अब तेरा पैर फेंक दिया पर इसने अच्छा तेरा पैर फेंक इसने ये देखो लो अरे मार दिया वाह पैर फेंक दिया वो रो है वचवरी आ इधर मैं क्या ये दोनों देखो कितनी फुर्सत की इन्हें कितनी फुर्सत है बेचारियों को और वो अंदर कह रहा मार दे अब मार दे मार दे मार दे मार दे उसने उसका पैर फेंक दिया फिर जान तो प्यारा परी का छवि का हाँ तो जाती नहीं कहे मेरे मार ले जाए तू पैर तो कौन है कहाँ फेंक दिया भाई साहब तो दोस्तों देखो पूरी छत जो है ना कपड़ों की भर गई है कपड़े मैंने सुखा दिए हैं अभी लग रही है देखो ये है ना इशू ने इशू ने ऐसे करे हैं फिर काफ़ी नहीं सुख बस मैं इनको सुखा दूंगी और मेरा काम हो जाएगा और फिर रात को बना दूंगी अब क्या बनेगा ईशू क्या बनाओगे पूछ रही खाने में क्या बनेगा पता नहीं खाने में बनेंगे तो पापा बना रहे हैं चावल आहा मजा आ जाएगा और भिंडी की सब्जी आहा और रोटी और रायता तो है ही और चटनी भी है ये देखो आज तो मुझे आ जाएंगे रहा नहीं जा रहा मेरे से कर दो बंद ये देखो गाइस पूरे कपड़े पूरी छत भर गई है कपड़ों से अब ये लास्ट दो तीन कपड़े बचे हैं हो गए आज तो सारे कितने कपड़े हो गए थे आज तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना ये लगे हुए बच्चे बतूड़ा ओ बैठा था नज तनुज पतंग नहीं उड़ा रहा क्यों कौन सी पतंग है भाई ये वाली पतंग है ये वाली नहीं चलाती मर रहा मार क्यों रहा ये वाली पतंग है इतनी दूर चल इधर से इधर तक ये है पतंग गए भाई पवन जी अपना अपना काम करन लोटा नहीं हाँ यार एक दो आप मैं दे रखती हूँ
पानी की कैसे हद हो रही है, कितने लीटर पानी पी लिया सुबह से? सुबह से 20 लीटर पानी पी लिया। 20 लीटर पानी भरवाया था सुबह सुबह चार लोगों ने। पवन को ये उम्मीद थी इस कैंपर पे थी बोतल, पवन को उम्मीद थी बोतल में है पानी, पर बोतल में कुछ भी नहीं था। ये काली करके यहाँ रख दी। अब ये देखो, ये ना चावल बनाने की तैयारी कर रहा है। ये इसने मंगोड़ी सारी सब्जी जो है चॉप कर ली है और वह चावल भिगो दिए हैं, और ये टमाटर को पीसने की तैयारी। ये देखिए दोस्तों, हमने कूलर जला दिया है ताकि कमरे की जो है वो गर्मी थोड़ी सी निकल जाए। और खाने में देखो क्या क्या रायता है, और ये मिर्च, ये हमारी टमाटर की चटनी, वो हमारे खीरे, ये हमारे राइस, और ये हमारी यम्मी यम्मी भिंडी, और उसमें है रोटियां, और हमने पानी रख लिया है। और ये देखो, ये अब भी बातें कर रहे हैं, आ जाओ भाई खाना खाने। तो हम खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपको ब्लॉग में। आपको एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप देख रहे हैं आपका बहुत बहुत। हे, रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना।
फाइनली हम चल दिए घर पे। ये भाई हमारी दूसरी सब ये पहुंच गए हम घर पे फाइनली।